राजस्थान में चुनावी बिगुल बज चुका है, पार्टियों ने अपने पत्ते सीटों पर खोल दिए हैं। ऐसे में राजस्थान के 200 विधानसभा के चुनावी समीकरण अब बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। बात जब चुनावी समीकरण की हो रही है तो हर सीट पर जातिगत समीकरण के साथ ही स्थानीय नेता का समीकरण भी काफी मायने रखता है। राजस्थान की सभी 200 सीटों की जब बात आती है तो डूंगरपुर को कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता है, जहां आजादी के बाद से ही भाजपा ने सिर्फ एक बार जीत का स्वाद चखा है। आजादी के बाद से ही डूंगरपुर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1951 से अब तक डूंगरपुर विधानसभा से 16 विधायक बने हैं, इनमें से 15 बार कांग्रेस ने इस सीट पर जीत हासिल की है। वही 2013 में डूंगरपुर में भाजपा से सिर्फ एक बार विधायक रहे हैं और वो है देवेंद्र कटारा। डूंगरपुर विधानसभा में कांग्रेस के नाथूराम अहारी 1980 से लेकर लगातार 6 बार विधायक पद पर जीत हासिल करने का कारनामा कर चुके हैं। बता दें, डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने इस बार नए और युवा चेहरे को मैदान में उतारा है। बीजेपी की ओर से बंसीलाल कटारा को टिकट दिया गया है। बंसीलाल कटारा डूंगरपुर के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है। वो जिला नर्सिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष के साथ ही मंत्रालय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भी है। वही कांग्रेस ने गणेश गोगरा पर फिर से विश्वास जताया है, जो वर्तमान में डूंगरपुर से विधायक है। 2018 में गणेश गोगरा ने पिछली बार भाजपा के माधवलाल वरहात को 27,898 वोटों से हराया था। यही बड़ी वजह है कि गणेश गोगरा को एक बार फिर से टिकट देकर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। अब बात करेंगे डूंगरपुर में जातीय समीकरण की। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में साल 2018 में वोटर्स की संख्या 229,190 थी, तो वही अब ये संख्या करीब 240,000 के पास पहुंच चुकी है। डूंगरपुर विधानसभा में किसी भी प्रत्याशी की जीत हार की चाबी अनुसूचित जनजाति के हाथों में है, क्योंकि डूंगरपुर में 70% आबादी इसी वर्ग से आती है। शेष 30% आबादी में सामान्य वर्ग, अल्पसंख्यक, ओबीसी और एससी वर्ग से है। डूंगरपुर विधानसभा सीट पर आदिवासी वर्ग कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन एक दशक पहले विधानसभा चुनाव 2013 में ये मिथक टूट गया। तो अब देखना ये होगा कि डूंगरपुर विधानसभा में कांग्रेस हर बार की तरह इस बार की परंपरा को बरकरार रखती है, या फिर भाजपा 2013 के इतिहास को फिर से दोहराकर कांग्रेस की परंपरा को तोड़ देगी। द नगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।